Hello children, welcome back. I am your English teacher, Damanjot Kaur. Today, my dear children, you are going to learn your lesson 4, A Visit to Grandpa's Farm. बच्चों, आपको पता है फार्म हाउस क्या होता है? जहाँ पे हमारे आसपास की प्रकृति बहुत सुंदर होती है और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत शांत होता है। हम ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अधिक ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है फार्म हाउस। अब फार्म हाउस के खेतों में हम सभी प्रकार के पौधे, ऊन, कपास का उत्पादन भी कर सकते हैं और जानवरों को रखकर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। चिल्ड्रेन, इन दिस लेसन यू विल सी अ फैमिली। इन अ फैमिली देयर विल बी फादर, मदर एंड लिटिल बॉय जॉन। And John is having grandparents also, grandma and grandpa. Lesson 4, A Visit to Grandpa's Farm. John loves plants. He wants to go to his grandpa's farm. The farm is a little away, so Dad and Mummy also go with him. They go by car in the morning. इसका मतलब है जॉन को पौधों से प्यार है। वह अपने दादाजी के खेत में जाना चाहता है। खेत थोड़ी दूर है। जॉन अपने डैडी और मम्मी के साथ जाता है। वे सब सुबह गाड़ी से जाते हैं। Grandpa is sitting in the veranda. John says, Good morning, Grandpa. Grandpa says, Good morning, my child. इसका मतलब दादाजी बरामदे में बैठे हैं। जॉन कहता है, सुप्रभात दादाजी। तो दादाजी कहते हैं, सुप्रभात मेरे बच्चे। Grandma gives sweets to John. John says, Thank you, Granny. इसका मतलब है दादी जी जॉन को मिठाई देती हैं। जॉन कहता है, धन्यवाद दादी जी। दे लीव फॉर होम इन द इवनिंग। गुड बाय ग्रैंडपा, बाय ग्रैनी, जॉन सेस। इसका मतलब है वे शाम को घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, अलविदा दादाजी, अलविदा दादी जी, जॉन कहता है। दे कम होम And John wants to go to sleep. Good night, Daddy and Mummy. Good night, John. इसका मतलब है वे सब घर आते हैं और John सो जाना चाहता है। John ने अपने मम्मी डैडी को गुड नाइट कहा और मम्मी डैडी ने भी John को गुड नाइट कहा और John सोने चले गया।